Hello friends, this is Chetan Sharma. In this video lecture, I am going to start with the topic of highway, that is types of payment. In previous lecture, we have discussed what is payments. So, aaj hum study karenge different types of payments. So, first one hai hamare paas flexible payment, second rigid payment, uske baad hai semi rigid payment. To agar inko hum difference se samjhenge to achhi samajh aayegi. To ye hamare paas फ्लेक्सिबल पेमेंट और ये हमारे पास रिजिड पेमेंट. तो आइए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट विद और विदाउट बाइंडिंग मटेरियल. और बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा? बिटुमेन. अब ये बात कर रहा है विद और विदाउट. अगर विद होगा तो क्या होगा? बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा? बिटुमेन. अगर होगा विदाउट तो क्या होगा? ग्रेवल रोड, उसमें बाइंडिंग मटेरियल हमारा नहीं होगा. तो अगर रिजिड पेमेंट की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? पेमेंट कंसिस्ट सीमेंट कंक्रीट स्लैब. पेमेंट कंसिस्ट सीमेंट कंक्रीट स्लैब. इसमें क्या यूज करते हैं हम बाइंडिंग मटेरियल? सीमेंट. और फ्लेक्सिबल में बिटुमेन. सेकंड पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स. कौन कौन सी? सबग्रेड, सब बेस, बेस और वेरिंग कोर्स. ये हमारे कौन सी आ गई? फोर लेयर्स. किसमें? फ्लेक्सिबल पेमेंट. तो अगर हम बात करें रिजिड की, तो रिजिड में कितनी लेयर्स होती हैं? थ्री. सबग्रेड, बेस और वेरिंग कोर्स, ये हमारे थे रिजिड पेमेंट्स की लेयर्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इट कैन नॉट रेजिस्ट bending and tear, that is they are flexible. तो ये कह रहा है it cannot resist bending moment. It means इसमें bending हो जाती है और ये bending को resist नहीं करता क्योंकि flexible है. तो flexible में क्या होगा? bending वो resist करेगा नहीं. तो ये पेमेंट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. फिर वो रीगेन कर लेती है अपनी पोजीशन, लेकिन कुछ टाइम्स के लिए जब इम्पैक्ट पड़ता है लोड का, उसमें क्या हो जाती है? ये बेंड. तो अगर रिजिड पेमेंट की बात करें, दे कैन रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, दे कैन रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट. इसमें क्या होता है? ये बेंडिंग मोमेंट को क्या रेजिस्ट कर सकती है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ लोड टेक प्लेस. ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ लोड टेक प्लेस. इसमें क्या होगा? एग्रीगेट यूज करते हैं हम, उसके साथ बिटुमेन, तो ये एक बाइंड हो जाते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ बिटुमेन. तो ये क्या लोड कैसे ट्रांसफर होता है इसमें? ग्रेन टू ग्रेन. सपोज जैसे ये एग्रीगेट है, तो बीच में हमारा बाइंडिंग मटीरियल होगा यहाँ से इस तरह से, तो ये इस पर ट्रांसफर करेगा लोड, ये इस पर. तो इसमें क्या होगा? ग्रेन टू ग्रेन क्या होगा? लोड ट्रांसफर होगा. तो रिजिड में क्या होता है? लोड इज ट्रांसफर बाय स्लैब एक्शन. लोड इज ट्रांसफर्ड बाय स्लैब एक्शन. इसमें क्या होगा? कंक्रीट की स्लैब बनेगी, तो उससे डायरेक्ट एक स्लैब एक्शन से ही इसमें लोड क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है. ये था हमारा फोर्थ पॉइंट.
बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ की। फिफ्थ पॉइंट कहता है दे कैन डिफॉर्म इजीली। दे कैन डिफॉर्म इजीली, सपोज ये हमारे पास अगर पेमेंट है तो ये क्या, अगर टायर का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन रिजिड में क्या होता है, इट कैन नॉट बी डिफॉर्म इजीली। सपोज ये है रिजिड, तो रिजिड मीन्स आप समझते हैं सॉलिड, तो इस पे इंपैक्ट अगर पड़ भी जाता है तो ये क्या होगी, डिफॉर्म नहीं होती है। उसके बाद सिक्स की बात करें तो इसकी लाइफ क्या होती है, लेस, तो इसकी मोर लाइफ। तो सेवेंथ पॉइंट है लेस इनिशियल कॉस्ट, इसमें मोर इनिशियल कॉस्ट। एट पॉइंट रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, इसके हमें सीजनल की, सीजन टू सीजन या ईयर टू ईयर क्या करनी पड़ती है, हमें इसकी मेंटेनेंस करना पड़ता है, रिपेयर वर्क करना पड़ता है। लेकिन रिजिड में करें बात करें तो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, तभी इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसकी कॉस्ट भी हमें ज़्यादा पड़ती है। फिर अगर और बात करें इसमें तो ये वाली हमारी आ जाती है लेस इम्पर्वियस, ये आ जाती है हमारी मोर इम्पर्वियस। ब्लैक टेपिंग प्रोवाइड्स, जो मैंने आपको पहले कहा, पोर विजिबिलिटी होती है एट नाइट में, इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हम थर्ड टाइप जो है हमारे पास, सेमी रिजिड पेमेंट। तो सेमी रिजिड पेमेंट में क्या होता है, द पेमेंट हैविंग क्वालिटी बेटर देन फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये है सेमी रिजिड की बात करें, द पेमेंट हैविंग क्वालिटी बेटर देन फ्लेक्सिबल पेमेंट। इसकी क्वालिटी क्या होती है हमारी, फ्लेक्सिबल पेमेंट से बेटर होती है एंड क्लोज टू रिजिड पेमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, सेमी रिजिड पेमेंट। इसकी क्वालिटी क्या होती है, बेटर देन हमारी फ्लेक्सिबल और क्लोज टू रिजिड पेमेंट। अगर हम और एग्जांपल देखें, इफ बाइंडिंग मटेरियल used is of better quality such as cement or soil mixed with lime, क्या करेंगे, अगर हमारे पास binding material है better quality का, जैसे cement हो गया या soil mixed हो गया with lime, then हम इस payment को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, semi rigid payment। lime का mixture क्या होगा, जैसे हमारे पास है lime या उसका mixture हो जाएगा हमारा soil के साथ तो या cement के साथ, तो इसमें क्या करते हैं हम, सेमी रिजिड पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।